हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी ना मॉर्निंग का टाइम हो गया है और अभी मैं मिल रही हूँ एक ही बार जो है। मॉर्निंग का भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है, मतलब 10-11 बज रहा होगा। तो अभी मॉर्निंग का जो है 10:30 बज रहा होगा करीब। और अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने सबके लिए, मतलब पूरा फैमिली के लिए। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ, आज ये मैं बनाऊँगी साग। तो ये देखिए, सासू माँ जो है, ये गंधारी का साग है। तो ये बारी होता है ना, बारी से जो है साग लाए थे, बिल्कुल ताज़ा वाला है। तो इसको धो के जो है लाए हैं और इसको काट के जो है आज गंधारी साग मैं बनाऊँगी। गंधारी साग मतलब ये वाला जो, तो अपने घर का जो ताज़ा वाला साग होता है ना, वो खाने में जो है बहुत ही अच्छा लगता है। और इसका जो ये डंठल होता है ना, ये मोटे मोटे होते हैं, तो ये डंठल भी बहुत ही अच्छा लगता है इसकी सब्जी। तो चलिए, मैं मिलती हूँ अभी थोड़ी देर बाद। और आज मैंने जो है ये वाला, मैंने आज साड़ी पहना हुआ है। मेरा जो है, मैंने दाल बिठा दिया है और मैंने जो है इसमें साग में बना रही हूँ। तो साग इसमें बन रहा है, मैं पी लेती हूँ चाय। तो सुबह ना एक बार जो है चाय हो चुका है और दोबारा अभी जो है मैं चाय पी रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी ना इवनिंग का टाइम हो रहा है। अभी जो है मैं सो के उठी हूँ और अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे, टी पर बैठी हूँ। तो सोच रही मैं स्कूटी चलाने जाऊंगी, पर ये ना अभी घर पे नहीं है, ये गए हैं ड्यूटी, यहाँ से ही ड्यूटी गए हैं। तो सोच रही अकेले नहीं जाऊंगी। यहाँ पे अभी ये देखिए, ये जो है अभी इवनिंग का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे ना ससुर जी जो है ये ताज़ा सब्जी लाए थे। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, ये है भिंडी है, बैंगन है, करेले हैं और ये जो है भुट्टा है। तो ये सारे सब्जी है, साग भी है। तो ये साग गंधारी का ही साग है। तो ज़्यादातर ना, जैसे कि यहाँ पे गांव में ही मार्केट लगता है, तो ये जो मार्केट होता है ना, जितने गांव वाले अपने अपने घर में सब्जी वगैरह लाते हैं ना, वही सब जो है बेचने के लिए लाते हैं। तो यहाँ पे ये गंधारी का साग जो है ज़्यादा मिलता है, तो वो गंधारी का साग भी लाए थे। और ये खाने में अच्छा लगता है, ये भाजी आप बोल सकते हैं। तो आप ना एक बार गंधारी साग ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये मकई लाए थे, मकई मतलब भुट्टा। तो अभी ये भी हम लोग पका के जो है खाते हैं। तो इसको जो है नीचे वाले घर में जो है लकड़ी के चूल्हे पे इसको जो है पकाएंगे और इसको खाने वाले हैं। और लकड़ी के चूल्हे या कोयले के चूल्हे में पका के खाने से ना बहुत ही अच्छा लगता है, भुट्टा जो है होते हैं वो, तो खास करके लकड़ी में। तो लकड़ी में ही पकाएंगे, अभी नीचे सासू माँ ले जाएंगे और वही जो है सारा पकाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी ना मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी मैं बना रही हूँ मॉर्निंग का। ये जो है ड्यूटी जाएंगे, तो ये ना ड्यूटी जो है अभी यहीं से जा रहे हैं कुछ दिन से। तो अभी मैं उनके लिए जो है ब्रेकफास्ट लंच वही बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैं परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ। परवल इस तरीके से बड़े बड़े मैंने काट लिया है और इसके जो है सिंपल वाली सब्ज़ी मैं बनाऊँगी फटाफट, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। और 4:30 बजे मैं उठी थी, पर 5:30 बजे 6 बजे जो है तैयार करके इनको देना है। तो ऑलरेडी जो है मेरा 5:30 हो चुका है। तो चलिए, अभी मैं फटाफट मैं बना लेती हूँ और यहाँ से जा रहे हैं ड्यूटी, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे हैं ना 2-4 दिन, इसी वजह से। नहीं तो फिर अगर ड्यूटी नहीं जाएंगे तो फिर घर में रह के कोई फ़ायदा नहीं, तो ड्यूटी जाना ही पड़ेगा। तो ये है,
थोड़ा सा दूर पड़ता है, लॉन्ग रास्ता पड़ता है, तो कोई नहीं, आने में जाने में भी लॉन्ग पड़ता है रास्ता, तो कोई नहीं, चले जाते हैं ड्यूटी। और ये देखिए अभी मैं सो के उठी हूँ और साड़ी वगैरह यही साड़ी पहन के जो है मैं रात को सो गई थी, तो यहाँ पे नाइटी वगैरह मैं कुछ लाई नहीं हूँ, तो साड़ी पहन के ही सो जाती हूँ, साड़ी में ही रहती हूँ दिन भर, तो रात भर यही है, क्योंकि ससुराल है ना, और जो हमारा ये ससुराल है ना सेपरेट नहीं है, मतलब आंगन है बड़ा सा, और फिर बहुत सारे चाचा जी बड़े पापा सब ये सब लगते हैं ना, इसी वजह से लाइटी नहीं पहन सकते, तो साड़ी पहनती हूँ मैं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये जो साड़ी है ना ये कॉटन का है और बहुत आरामदायक साड़ी है, और इसी को मैं रात को जो है पहन के सो गई थी, बस अभी उठ के पिन वगैरह मैंने कर लिया, नहीं तो क्या होता है ना ये जो कॉटन का जो साड़ी होता है ना खुला खुला सा लगता है, तो ऐसे पिन किया हुआ होता है ना वो सही रहता है, क्योंकि ये मतलब एक ही जगह जो है बैठा रहता है, और फिर वो फुला फुला लगता है कॉटन का साड़ी, इसी वजह से मैंने पिन किया हुआ है। तो ये है, चलिए मैं फटाफट बना लेती हूँ सब्जी। उसके बाद जो है मैं लहंगी रोटी बनाऊँगी, फिर तो पराठे बनाऊँगी। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. नहीं देगा डग्गो, ए डग्गो कब उठेगा बाबो? सुबह हो गया, हम जा रहे काम पे, कुछ चाहिए? देखो सुबह हो गया हैं?